गिरिडीह पुलिस को बुधवार की शाम एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने सुपारी किलर गिरोह का उद्भेदन करते हुए चार अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने तीन देसी पिस्टल समेत जिंदा कारतूस, दो मोटरसाइकिल और 4000 नगद रुपया बरामद किया। गिरिडीह SP सुरेंद्र झा के मजबूत सूचना तंत्र से गिरिडीह पुलिस को एक बार फिर सफलता हाथ लगी। पुलिस ने इस बार सुपारी किलर गिरोह का उद्भेदन करते हुए चार अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज दिया। बताया जाता है कि बुधवार की शाम को गुप्त सूचना के आधार पर बिरनी पुलिस ने भरकट्टा बाजार स्थित नीलकंठ मंडल के होटल में छापेमारी की। इस छापेमारी में इजराइल अंसारी और अकबर अंसारी को दो लोडेड पिस्तल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए अपराधी इजराइल अंसारी ने पुलिस को बताया कि उसके दुकान में काम करने वाले पिंटू विश्वकर्मा का अवैध संबंध उनकी पत्नी के साथ था, जिसके लिए स्थानीय स्तर पर पंचायती भी हुई थी तथा पिंटू विश्वकर्मा को दुकान से निकाल भी दिया गया था। परंतु पिंटू विश्वकर्मा का उनकी पत्नी के साथ अवैध संबंध लगातार जारी रहा। इसी मामले में पिंटू विश्वकर्मा की हत्या करने के लिए सुपारी किलर गिरोह से संपर्क किया। गिरोह के सदस्यों ने 60,000 रुपये में हत्या का सौदा किया। गिरिडीह पुलिस ने इसी मामले में इजराइल अंसारी, अकबर अंसारी, सुलेमान अंसारी और मजीद अंसारी को गिरफ्तार किया, जबकि फरार अपराधी फखरुद्दीन अंसारी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधी के पास से तीन देसी पिस्तौल, चार जिंदा कारतूस, दो मोटरसाइकिल और 4000 नगद बरामद किया। प्रेस विज्ञप्ति का सारांश ये है कि बिरनी पुलिस की सक्रियता से एक मर्डर की घटना को अंजाम होने से पहले ही रोक दिया गया। घटना का सारांश ये है, सूचना प्राप्त हुई थी कि बिरनी थाना क्षेत्र में कुछ व्यक्ति हथियार के साथ घूम रहा है, जिसका प्लान किसी व्यक्ति विशेष को मारने का था। इसी परिप्रेक्ष्य में SDPO के नेतृत्व में थाना प्रभारी बिरनी और उनकी टीम ने जब चेकिंग स्टार्ट किया तो नीलांबर नीलकंठ मंडल के होटल के पास से दो व्यक्ति पकड़ा गया, जिसके पास लोड पिस्टल मिले। जब इन लोगों से इंट्रोगेट किया गया, पता चला कि ये किसी पिंटू डिस्कवर नाम के आदमी को मारने का प्लान किया था। उनके साथ ही कुछ और लोग भी थे। इनके निशानदेही पे और जगह ब्रेड किया गया, वहाँ से भी दो आदमी को अरेस्ट किया गया। पूर्णा के चार लोग जो कि इस घटना को अंजाम देने वाले थे, उसको अरेस्ट किया गया और उनके पास से तीन लोडेड पिस्टल राउंड के साथ सीज किया गया है। पूर्णा कह सकते हैं घटना जो घट सकती थी, पुलिस की तत्परता सक्रियता से घटना को रोक दिया गया। धन्यवाद। जय हिंद।